स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पे। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम बादपुर मांडा प्रयागराज में। मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख मांडा अशोक सिंह ने कार्यक्रम में गोद भराई और अन्य प्रशासन का कार्यक्रम संपन्न किया तथा उन्होंने अपने संबोधन में मोदी सरकार की उपलब्धियां को जनता को बताया और उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हमारी माताएं बहनें घर से बाहर निकलकर अपना काम निश्चित होकर कर रही हैं। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। भारत संकल्प यात्रा में कार्यक्रम में बगल में बैठे गांव की ग्राम प्रधान उषा जो जी, बगल में बैठे उनके पति संजय सोनकर जी, उनके बगल में बैठे भाजपा के हमारे पदाधिकारी केशव अमर पांडे जी, हमारे बगल में बैठे हमारे बड़े भाई की तरह पूर्व प्रधानमंत्री बहादुर सिंह उर्फ मोदी सिंह जी, सुजीत चक्रवाणी जी, मनोज जायसवाल जी, संचालन कर रहे दिनेश पांडे जी और हमारे विकास खंड ब्लॉक के सभी कर्मचारी जितने बैठे हैं, चाहे तहसील विभाग के हों, चाहे गाँव के ग्राम प्रधान हों, ग्राम विकास अधिकारी हों और अस्पताल से आए हुए सभी हमारी सिस्टर जितनी बैठी हैं, साथे बैठी हमारी गांव की सभी माताएं हैं, बहने हैं, सभी महिलाओं और सामने जो बैठे हैं हमारे गांव के नाम लूंगा तो कमलेश सिंह है, राघव सिंह है, डॉक्टर सिंह है, सबका नाम लूंगा बहुत समय लगेगा, आप लोग बहुत देर से बैठी है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से महिलाएं बाहर घर से निकल के स्वयं अपना काम करने लगी। इसके पहले महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज ये मोदी जी की देन है कि सारी महिलाएं चाहे वो बीसी के माध्यम सखी के माध्यम से चाहे वो समूह के माध्यम से घर से बाहर निकल के अपना काम स्वयं देख रही है। और ये जो गाँव का वही जा करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये जानिए कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे गांव में कौन सी योजना आती है, उसके उसका लाभ हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके लिए पहले हमारे गांव के लोग या हर गांव के लोग पहले ब्लॉक जाते थे, जिले में जाते थे अपने पेंशन के लिए, अपने आवास के लिए। अब ये सरकार माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार आपके घर घर सारी योजना लाकर बता रही है कि आपको आवास कैसे मिलेगा, आपको पेंशन कैसे मिलेगा, आपको किसान सम्मान निधि कैसे मिलेगा, ये सब घर घर बताया जा रहा है। ये माननीय मोदी जी की देन है। तो मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास हो रहा है उसी का ये एक दिखावा है कि हाँ आप लोग इस भारत को 2047 तक कैसे विकसित भारत बनाएंगे, जब हमारे गांव की गरीब जनता खुशहाल होगी और सभी उनको लाभ मिलेगा तभी हमारा देश विकसित माना जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी गांव गांव में बैठ भेज करके सबका सबको दिखा रहे हैं और अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा गाँव है, बहुत ज्यादा भाषण न दे करके मैं आप लोगों को सबको बधाई देता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस शहर के समय में आप लोग दो घंटे से बैठी है। मैं आने वाले समय में अपने गांव का आप लोगों का जो विकास सबसे होगा हम आपका सब काम करेंगे। जी सब लोगों के साथ अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपनों को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जैसे उखाड़ फेंकेंगे, हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की।
दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।